तेजस्वी यादव का ये वक्तव्य भले ही आशंका से भरपूर हो, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, पर जिस तरह से भाजपा की नीतियों के विरुद्ध मित्र दल होते जा रहे हैं, वैसे में वर्तमान सरकार पर कठिनाइयों का एक दौर शुरू तो हो ही गया है। विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना, बढ़ा हुआ आरक्षण प्रतिशत को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के पेंच तो पहले से थे। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों को अपना नाम और धर्म लिखने की अनिवार्यता ने एक नया बवाल उठा दिया है। इंडिया गठबंधन के मित्र दलों का तो विरोध सर चढ़कर बोल रहा है, पर मुश्किल यहाँ ये है कि एनडीए के मित्र दल भी उसी सुर में आवाज उठाने लगे हैं। लेकिन एनडीए में शामिल दलों के विरोध का मतलब विरोध के लिए विरोध करने से ज्यादा कुछ नहीं है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा अपने इष्ट देव को जल अर्पित करने को लेकर शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सीएम आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ साफ कहा गया है कि हर हाल में दुकानों पर संचालक मालिक का नाम लिखा होना चाहिए, इसके साथ ही उसे अपने धर्म के बारे में भी लिखना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए किया गया है। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि शुरुआत में ये फैसला सिर्फ मुजफ्फरनगर जिले तक सीमित था, लेकिन अब राज्य सरकार के आदेश पर पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। बिहार के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद आरजेडी की तरफ से हमला काफी तेज हो गया है। राज्य में अभी 4 विधानसभा पर चुनाव होने हैं और अगर साल 2025 के पहले चुनाव हुए तो एनडीए और अगर साल 2025 के पहले चुनाव हुए तो एनडीए के कई मित्र दलों में परेशानी बढ़ जाएगी। जेडीयू की राजनीति की तो धुरी ही 3C यानी क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म रहा है। लोजपा तो इस बात की वकालत करते रही है कि उपमुख्यमंत्री मुस्लिम से हो। हालांकि विधानसभा चुनाव में देरी है, मगर लोजपा और जदयू की तरफ से योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उनकी टिप्पणी आ चुकी है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने योगी सरकार के निर्देश को धार्मिक विभेद पैदा करने वाले बताते हैं। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि मुजफ्फरनगर पुलिस का वो आदेश वो वापस ले लें। इसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया है, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है और धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी फैसले पर एक बार फिर से समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए जिससे समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।